मैम, ब्रेस्ट का साइज क्या दबाने से बढ़ता है? किस तरीके से हम स्तनों को दबाएं, उसे प्रेस करें कि जो उनका आकार है वो बढ़ जाए? इस तरह के कितने ही सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में लोग करते रहते हैं, तो आज आपको इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बदलते हुए जमाने के साथ, समय के साथ इंसान की सोच में भी बड़ा परिवर्तन आया है। आज के टाइम में बड़े आकार के स्तन हर महिला की पहली पसंद बन चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये स्तन जो होते हैं वो किसी महिला के सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं और किसी पुरुष को बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। और यही कारण है कि हर औरत अपने स्तनों के आकार को लेके हमेशा चिंता में घिरी रहती है कि यार ये ऐसे हैं या वैसे हैं या इतने हैं या उतने हैं। सामान्यतः यौन संबंध बनाते हुए किसी भी महिला के जो स्तन होते हैं वो पूरी तरह से विकसित हो ही जाते हैं। ये एक तरह का नेचुरल प्रोसेस है। अब क्योंकि हर महिला का जो स्तनों का आकार होता है वो अलग अलग होता है और उसकी जो हार्मोनल ग्रोथ होती है वो भी अलग अलग होती है, तो ऐसा ये जरूरी नहीं कि यौन संबंध बनाते हुए हर महिला की जो स्तनों का है विकास भरपूर हो, उसे अपना मनचाहा आकार मिल ही जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सी चीजें हार्मोनल ग्रोथ के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। अब जैसे कि पुरुषों के साथ एक चीज होती है कि वो अपने लिंग के साइज को लेके कभी भी खुश नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, उन्हें हमेशा दूसरे वाले का सामान अपने से बड़ा लगता है। सेम इसी तरह से महिला के साथ भी है कि वो अपने ब्रेस्ट के साइज को लेके कभी भी संतुष्ट नहीं होती। वो हमेशा नाप तोल में ही लगी रहती है कि यार अगर ये थोड़े से बड़े होते तो मेरे कपड़ों की फिटिंग और अच्छी आती, यार उसका ज्यादा अच्छा है, उसका वाला साइज मेरे को चाहिए। वो हमेशा इसी उधेड़ बुन में लगी रहती है। जिसके छोटे हैं वो भी परेशान, जिसके बड़े हैं वो भी परेशान, एक परफेक्ट आकार की चाह में हर दूसरी औरत परेशान ही रहती है। ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करने का जो प्रचलन है ये इतना ज्यादा बढ़ चुका है और ये जुनून इतना ज्यादा औरतों पे हावी है कि वो हर भरसक प्रयास करती है अपना मनचाहा आकार पाने के लिए। कुछ लोग दवाइयों की तरफ चली जाती हैं तो कुछ लोग कॉस्मेटिक सर्जरी भी कराने से बाज नहीं आती। खैर, उनकी बॉडी उनकी च्वाइस। अगर वो कंफर्टेबल है, पैसे खर्च कर सकती हैं, तो उनकी बॉडी, वो कुछ भी करे अपनी बॉडी के साथ। इसी धारणा के चलते हुए एक धारणा और विकसित हुई है कि ब्रेस्ट को तेज प्रेस करने से या दबाने से क्या नेचुरल तरीके से, ये जो नेचुरल तरीका है प्रेस करना उसे दबाना, क्या साइज जो है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, क्या स्तनों का आकार बढ़ सकता है? अब इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है? तो देखिए, स्तनों को तेजी से दबाना उपयोगी साबित नहीं हो सकता। इसकी बजाय आपको रोज 30 मिनट्स अपने स्तनों की मालिश करनी चाहिए। मालिश के दौरान आप अपने हल्के हाथों से अपने ब्रेस्ट को प्रेस कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने हस्बैंड की भी मदद ले सकते हैं, राइट? अगर आप रोज 30 मिनट इस तरह से मसाज करेंगे तो आपके स्तनों में रक्त संचार बढ़ेगा और यही बढ़ा हुआ रक्त संचार आपकी ब्रेस्ट के साइज के आकार में परिवर्तन लेकर आएगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। दूसरी चीज, स्तनों की मालिश करने के लिए हमेशा तनाव रहित स्थान ही चूज करें, क्योंकि ये मालिश जो है ना केवल आपके स्तनों पर असर डालती है बल्कि आपकी मानसिक शांति के लिए भी ये उपयोगी साबित हो सकती है। और मालिश करते हुए बॉडी पॉस्चर पे पूरा ध्यान दे, क्योंकि गलत पॉस्चर में की गई मालिश आपके शरीर के ऊपर गलत असर डाल सकती है। तो हमेशा या तो खड़े होकर ही मालिश करवाएं या करें अपनी, या फिर लेट कर, बेड पर लेट कर ही मालिश करवाएं। तीसरी चीज, मालिश करने के लिए हमेशा ऑलिव ऑयल का ही यूज करें। ऑलिव ऑयल की कुछ बूंदे लेके हाथों में ऐसे मसलिए ताकि आपकी हथेलियों में गर्माहट पैदा हो जाए। फिर जो आपकी जो ब्रेस्ट है उसको ऐसे गोलाकार रूप में इस तरीके से मसाज करना शुरू करें, या लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट, जैसे आपको समझ आता है, कंफर्टेबल होता है, गोलाकार रूप में उसे ऐसे घुमाएं और ऐसे घुमाते हुए ऊपर की तरफ ब्रेस्ट को ऐसे खींच के ऊपर की तरफ लेकर जाएं ताकि वो थोड़ा सा उसमें लिफ्ट करे। मालिश करने से देखो ये जो गर्मी पैदा होती है एक तरह की ऊर्जा ही होती है, और जैसे ही आपको लगे कि आपकी हथेलियां ठंडी पड़ गई हैं तो ऑयल लेके दोबारा अपने हाथों को ऐसे मलिए, उसमें गर्मी पैदा कीजिए और दोबारा उसे मसाज करनी शुरू कीजिए। ये जो ऊर्जा होती है इसी से ही ब्रेस्ट में रक्त संचार बढ़ता है और ये उसके आकार को बढ़ाने में मदद करता है। अब देखो, मालिश करके आप अपने स्तनों का आकार बड़ा कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर स्तन आपको मिल गए खरबूजे जैसे लेकिन उसमें लटकन है तो मजा है उस चीज का? नहीं है ना। तो उसको सुडोल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है एक्सरसाइज। कितने लोग करते हैं एक्सरसाइज?
मुझे नहीं लगता कि कोई इतने एफर्ट करता होगा, इतना टाइम खुद के लिए निकालता होगा, तो रिजल्ट कैसे मिलेगा जी। तो एक्सरसाइज भी करना शुरू कीजिए जिससे आपके जो ब्रेस्ट हैं वो और ज्यादा अट्रैक्टिव और सुडोल बने। कभी अपलोड करूंगी मैं वीडियो कि ब्रेस्ट को कैसे आप टाइट कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, राइट। लाइफस्टाइल चैनल पे मैं वीडियो अपलोड करूंगी ब्रेस्ट एक्सरसाइज, देखिएगा जरूर। और बाय द वे आज भी मैंने शॉर्ट्स ही पहने हैं, थाई तो आज भी नजर आ रही है मेरी। सभी नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुझे बार बार इस चीज पे कमेंट करते हैं, मैम आप अपनी थाई क्यों दिखाते हो, आप अपनी थाई क्यों दिखाते हो। तो वो लोग जो कि मुझे इस तरह के कमेंट करते रहते हैं उन्हें मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि अगर मुझे शॉर्ट्स पहनना पसंद है और मेरा बॉडी पोस्चर मुझे इसी चीज के लिए अलाउ करता है कि मैं क्रॉस लेग्स करके बैठूं जिसके वजह से मेरी थाई नजर आएगी आप लोगों को, तो इसमें इतनी हाय तोबा मचाने की जरूरत क्या है। अगर आपको पसंद आती है मेरी थाई तो अप्रिशिएट करके कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल थाई करके आगे निकलिए, वीडियो देखिए अपना। और अगर नहीं हजम होता है तो आंखें बंद कर लीजिए भाई और मेरी वीडियो सुनते रहिए, दिक्कत क्या है। अब आप लोगों के लिए मैं अपना कपड़े पहनने का तरीका, अपने उठने बैठने का तरीका तो चेंज नहीं करूंगी ना डियर, मैं तो ऐसी रहूंगी। तो अपना नजरिया आप बदलिए, तो यहां पर देखो आप लोगों को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। सभी के लिए नहीं बोल रही, कुछ एक लोग हैं जो इस तरह के कमेंट करते हैं कि मैं तो नहीं बदलने वाली, तो बेटर है आप अपना नजरिया बदलिए। ओके।